गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ आवर फाइल कंप्रेशन. ठीक है. सो लास्ट ई प्रैक्टिकल में हमने टार का उपयोग किया था और इस ई प्रैक्टिकल में हम किस कमांड का उपयोग करेंगे? CPIO का. ठीक है. तो टार और CPIO कमांड दोनों बेसिकली बैकअप्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. और ये दोनों ही पॉपुलर है, लेकिन टार की थोड़ी सी इजीबिलिटी या उसको कन्वीनियंसी के कारण इसको थोड़ा ज़्यादा उपयोग किया जाता है इन कंपेरेटिवली CPIO. सो हमने लास्ट टाइम टार देखा था, इस बार हम CPIO का देखेंगे. इसकी थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है. तो CPIO कमांड का रिकैप के लिए जस्ट है, CPIO का मतलब कॉपी इन और कॉपी आउट. ठीक है. तो इसका उपयोग बेसिकली किस लिए किया जाता है? इसका बेसिकली वही उपयोग है जो इसके लिए हम टार करते हैं, कि फाइल को आर्काइव करने के लिए. यानी अगर हम किसी फाइल को आर्काइव करना चाहते हैं तो हम टार का भी यूज़ कर सकते हैं और CPIO का भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसके बेसिकली तीन मेन इसके उपयोग होते हैं, मतलब कि इसके द्वारा हम एक आर्काइव बना भी सकते हैं और आर्काइव से फाइल ले भी सकते हैं और किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में भी उस आर्काइव फोल्डर आर्काइव से फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो पहले हम प्रैक्टिकली देखेंगे, सिंपली एक सिंटेक्स देखेंगे इसका जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ रखा है, कि किस तरह से हम मल्टीपल फाइल को एक आर्काइव में कन्वर्ट करते हैं जिसका एक्सटेंशन होगा CPIO. ठीक है. तो सिंपल सा ये कमांड है, इस कमांड को मैं एक बार रन करता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बार मैं आपको क्या है वो सिखाता हूँ. तो अभी हम किसी एक फोल्डर में हैं, जो आप देख सकते हैं ये फोल्डर की लोकेशन है, और यहाँ पर ls हमने एंटर करके देखा, यहाँ पर ये सारी फाइल्स हैं और डायरेक्टरीज. तो मैं चाहता हूँ इन सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज़ का एक आर्काइव बने, CPIO आर्काइव बने .cpio फॉर्मेट में, जो कहाँ सेव हो dir1 डायरेक्टरी के अंदर. क्लियर. तो उसी के हिसाब से हम इस कमांड को रन करेंगे. तो इसका रन करने का सिंटैक्स क्या होता है? सिंपली क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि पहले इस कमांड को पास करेंगे. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कौन सा कमांड है, इस या अगर हम ls कमांड को टाइप करते हैं तो ये हमको दिखा देता है कि यहाँ पर क्या आउटपुट है. तो ls का जो आउटपुट आएगा वह हम पाइप करेंगे CPIO कमांड के. ठीक है. तो ls से जो भी करंट डायरेक्टरी में जो भी फोल्डर्स एंड डायरेक्टरीज हैं, डायरेक्टरीज एंड फाइल्स हैं, वो लिस्टेड होगी और वह सारी पाइप किस में होगी? CPIO कमांड में होगी. और जैसा कि हमने पढ़ा है कि यह कॉपी इन और कॉपी आउट के लिए. तो आउट के लिए क्या करेगा? तो CPIO कमांड क्या करेगा, इस कमांड का जो भी आउटपुट आएगा उसको आउट करेगा किस फाइल के अंदर? shell.cpio फाइल, जो कहां पर है हमारे पास? dir1 के अंदर. क्लियर. तो इस कमांड का सिंटैक्स क्या है? ls से जो भी आउटपुट आएगा वो पाइप के द्वारा CPIO कमांड को मिलेगा, और CPIO कमांड क्या करेगा, इस फाइल्स को सारे को कॉपी आउट करके एक नई फाइल में कराएगा जिसको आर्काइव फाइल होगी. जो कौन सी होगी? shell.cpio, जो किसके अंदर होगी? dir1 के अंदर. तो हम इस कमांड को रन करेंगे. तो इस कमांड को रन करने पर देखा कि इसने सारे फाइल्स को इसने क्या किया, आर्काइव करके इसने लिस्ट भी दिखा दी कि इन सारी फाइल्स को हमने इसने आर्काइव किया, और कहाँ इसने आर्काइव किया? dir1 के अंदर shell.cpio फाइल है. तो हम चेक करेंगे कि वो फाइल बनी नहीं. तो हम क्या करेंगे, पहले उस फोल्डर में जाएंगे जिसके अंदर हमारी फाइल आर्काइव हुई. तो कौन सा है? dir. ठीक है. तो हम इसके अंदर एंटर करके चेक करेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नई फाइल बनी है. ठीक है. जो कौन सी है? shell.cpio, जिस तरह से हमने जो बनाई थी. क्लियर. तो इसके अंदर वो सारी फाइल हमारी क्या हो गई? आर्काइव के अंदर आ गई. अब हम क्या करते हैं? तो यह तो हमारा बहुत सिंपल सा तरीका, और यह बहुत
अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो वो भी ये बहुत बेसिक सिंटैक्स है जिसका क्या कर सके हम उपयोग क्या कर सकते हैं, CPIO कमांड आर्काइव फाइल्स को क्रिएट करने का तरीका। ठीक है, एक बार अगेन दिखा देता हूँ। LS के द्वारा उस लिस्ट को पाइप किया CPIO के अंदर, फिर O और V ऑप्शन के द्वारा उसको रीडायरेक्ट किया हमने shell.cpio आर्काइव फाइल। क्लियर। हमारा सेकंड टास्क क्या रहेगा कि इसी फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे किसके द्वारा, इसी कमांड के द्वारा। ठीक है, तो हम उसका देखते हैं। तो हम देखते हैं कि अभी हम इसी CPIO फाइल के जो भी कंटेंट है आर्काइव फाइल में उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, किसके द्वारा, CPIO कमांड के द्वारा। तो हम देखते हैं कि अभी हम कौन से करंट डायरेक्टरी में हैं। आपको वह पाथ दिख रहा होगा DIR1 और CS303। तो यहाँ पर हम कंटेंट एक बार चेक कर लेते हैं कंटेंट क्या है। तो यहाँ पर LS के द्वारा देख सकते हैं यहाँ पर कोई कंटेंट अभी नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जो फाइल हमने लास्ट कमांड के द्वारा एक्सट्रैक्ट की थी उसी को हम इसी डायरेक्टरी में एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम करंट डायरेक्टरी CS303 में हैं, उसमें अभी कोई फाइल्स या फोल्डर्स नहीं है। तो हम CPIO कमांड के द्वारा जो हमने कॉपी आउट करके एक जो टार फाइल CPIO फाइल बनाई थी उसी को हम यहाँ पर अब एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो वो कौन सी फाइल में, आपको याद होगा वो कौन सी लोकेशन में थी, DIR1 में हमने shell.cpio के नाम से वो हमने CPIO फाइल बनाई थी। अब हम उसी CPIO फाइल को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसका लोकेशन, क्योंकि यह CS303DIR के अंदर है इसीलिए हमने यहाँ पर ./DIR1 यूज़ किया। ठीक है, तो इस कॉपी इन का क्या सिंटैक्स रहेगा, कमांड CPIO देन उसका ऑप्शन आई यानी कॉपी इन। ठीक है, एंड देन डायरेक्टरी हम करंट डायरेक्टरी में और वर्बोस। ठीक है, यानी वो फाइल कहाँ पर है, DIR shell.cpio, यानी जो कंप्लीट पाथ दिख रहा है आपको डाटा कॉम फाइल्स होम DIR1 के अंदर वो फाइल है, और उस फाइल के कंटेंट को हम कहाँ एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी के अंदर CS303 में, और जहाँ पर अभी हम करंटली प्रेजेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस कमांड को रन करेंगे, इससे क्या होगा, DIR1 के अंदर जो shell.cpio की जो आर्काइव फाइल पड़ी उसके सारे कंटेंट इस करंट लोकेशन में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम देखें, आपने चलाया तो हमने देखा कि सारी लिस्ट ऑफ फाइल है जो क्या होगी, एक्सट्रैक्ट हो गई कहाँ पर, इस लाइन डायरेक्टरी में। तो पहले हमने जब ls टाइप किया था तो यहाँ कुछ नहीं था, अब हम यहाँ पर ls टाइप करेंगे तो ये सारी फाइल्स हमको शो करेगी। क्लियर, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किस प्रकार CPIO का उपयोग करके फाइल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और फाइल को आर्काइव फाइल को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, टार फाइल का भी सेम यूसेज है और CPIO का भी सेम यूसेज है। ठीक है, लेकिन ये दोनों यूटिलिटी के कंपेयर में देखें तो टार का ज़्यादा पॉपुलर यूज़ होता है इन इंडस्ट्री। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर इन टुडेज ई प्रैक्टिकल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।